झाड़ू लगा दी मैंने, रोटी पका दी मैंने, बर्तन भी मांज दिए हो, बस लता धोलूं ओ राम जी, घिस घिस के धोलूं ओ राम जी। बिजली बेटा तेरे स्कूल के लत्ता लिया जाके धो दूं उन्हें भी, जल्दी लाके दे दे। वहीं टंगी है बाथरूम में, ले लो। इरा कहाँ बड़बड़ा रही है, लगता ला रही हो तो ले आ जल्दी तू। इरा बड़बड़ ना कर रही, मैं नू कह रही हूँ बाथरूम में ही टंगी है। ले फिर बड़बड़ाई यू ना मन ने की है, एक तो पूरे घर के लत्ता धो फिर इनकी बड़बड़ भी सुनो। मैं खुद ही ले रही हूँ, नहीं स्कूल जाते वक्त फिर कलेश मचाएगी। एक घंटे से चिल्लाए जा रही हूँ, वहीं टंगी है बाथरूम में ही टंगी है, लेकिन ना सुननी ना है। मो सुनाई ना दे रही तो कैसे सुन लेती, तो ये टंका बंद करोगी तभी तो सुनाई देगी। हाँ टंकी बंद कर दूं, अपनी जुबान बंद कर दूं, कुछ कहना सुनना बंद कर दूं, सांस लेना बंद कर दूं, तू तो नू ही चाह रही है राज करियो पूरे घर पे। मैंने इतनी लंबी ना सोच रखी, ठीक है मैं बस इतना कह रही हूँ कि जब कौन के बगल में टंकी चलाओगी, पानी चल रहा होएगा, तो बाहर की आवाज कैसे सुनाई दे जाएगी। बेटा मेरा वैसे अपनी खान सुना हुआ, तेरे बाबा से हुआ, यही मारे यार छोटे से बाथरूम में बैठ के लगता धोने पड़ रहे हैं वो। अगर सैफ अली खान से हुआ होता ना तो पटौदी हाउस में आलीशान बाथरूम में बैठ के लगता धो रही होती, जहाँ 200 मीटर की दूरी पर टंकी चलती और 300 मीटर की दूरी पर मेरा बुरुस और थपकी। तुम्हारे हाथ में सोने का कटोरा दे दो ना, तब भी मांगोगी भी की। सैफ अली खान की गैल ब्याह होता तब भी कपड़े धोती, क्यों सैफ अली खान सुअर है जो गंधेल बना डोलता रहेगा है, वो भी तो धोके ही लत्ता पैरता होएगा अपनी बहू के हाथ के। लत्ता तो धुले ही पहने है, लेकिन बहू के हाथ के ना, धोबी के हाथ के। क्यों वो बीमार हो रही है ना, फिल्म बना रही है। ले अब सब फिल्म ही बनाने लगेंगे तो घर में खाना कौन बनाएगा। बावर्ची 2-4 दिन ही बनाएगा, वहां के बाद वो भी फिल्म ही बनाएगा। चल इन फालतू बातन न छोड़, जल्दी से लत्ता ले आ अपने स्कूल के। इतने पास टंगी है तब भी खुद से उतारने में दिक्कत आ रही है। बेटा तू भी खड़ी है लत्ता बाल्टी पानी साबुन और बाथरूम के पास, तो ऐसा कर अपने स्कूल के लत्ता खुद ही आके धो ले, ठीक है। इधर ना ना ना, ऐसा करो तुम बैठी रहो, तुम्हारे घोटन में दर्द हो जाएगा। मैं दे रही हूँ ना उतार के, दे रही हूँ। यू लो सरफ का डिब्बा भी उठा दे, इन्हें उंगली पकड़ा दो, गला ही पकड़ लेंगी कतई। यू लो बिजली, बेटा जल्दी आइए यहाँ तरफ। अब कहाँ बताओ, जा 10 का भाग के सरफ ले आ। अभी तो दिया सरफ का डिब्बा खाली है, अब दुकान पे जाके लाना पड़ेगा। अब जाना तो पड़ेगा ही, खाली डिब्बा सरफ तो ना हगेगा। यू हगने हगाने की बात फुट सक चू करियो, ठीक है। अभी यू साबुन से लत्ता धो लो, मैं सरफ बाद में ले आऊंगी। तू तो ले ही आएगी बाद में, तो पता भी है 2 जोड़ी लत्तन में यू साबुन की टिक्की खत्म हो जाएगी। और जाके जल्दी से सरफ ले आ, एक चम्मच सरफ में ही सारे घर के लत्ता धो दूंगी, और वहां के बाद जो पानी बचेगा वहां मैं पैरदान और पर्दे अलग से धो दूंगी। ओहो लगे पैसे बचाने का कोर्स करना पड़ेगा। कर लिया, लेकिन पहले जाके सरफ की थैली लिया। बेटा लाओ पैसे, खाते में लिखवा दियो। ऐसा तगादा करेगा वो मोसू, अगर तगादा करेगा मैं ना लारी उदारी। इरे ना करने का 3-5, और करे तो मुंह बता दियो, और कोई ऑप्शन हैगा। ओ जीजे की सालियो, ओ हरे दुपट्टे वालियो, जूते दे दो पैसे ले लो। अरे गड़बड़िया सरफ की थैली हैगी। मेरा नाम गड़बड़िया ना, ठीक है। बेटा हम तो गड़बड़िया ही कहेंगे ना। सरफ जा। अच्छा जी, मतलब मैंने तो गड़बड़िया कह दिया, ये हमारा तुम वो सामान देने से मना कर रहा है।
हाँ तो फिर मेरा नाम क्या बिगाड़ रही है तू? बेटा अगर मैं ना होती ना तो लोग तुझे गुज्जू प्रसाद गुल्लक राम श्रीवास्तव कहकर बुला रहे होते। वो तो सुकरमान मेरा जो मैंने तेरा नाम गुज्जू प्रसाद गुल्लक राम श्रीवास्तव शॉर्ट करके गड़बड़िया कर दिया। शॉर्टकट वॉर्टकट छोड़, जो नाम है मेरा वो ले सीधे। ना भैया मैं तो गड़बड़िया ही कहूंगी। पता पड़ी गुज्जू प्रसाद गुल्लक राम कहते कहते सांझ होगी तो अम्मा मो यही कूट देगी आके। तुझसे बकवास करने का टाइम ना मेरे पास। ये पता क्या लेने आई है? सरफ की थैली। और पैसा? अम्मा देंगी। तो अम्मा को भेजिए सरफ लेने को। यार अम्मा बीमार है या हमारे उन्होंने मो भेजा लेने। तो पैसे लेके तो भेजना चाहिए था ना। तू पागल पागल तो ना होगा दिखे? जब मैं कह रही हूँ अम्मा बीमार है, उठने की कंडीशन में ना है, तो पैसे लेने कैसे उठ जाती? अच्छा जी, फिर सरफ क्यों लेने आई है नू बता। कपड़े धोने को और काया तू मुंह धोऊंगी? ऐसा मेरे दौरे इतना टाइम ना पंचायत करने का। खाते में लिख और ठंड रख। ओ इधर आ, इधर आ। ठंड तू रख, मैं सरफ की थैली रख ले रहा हूँ। ओ गड़बड़िए, ज्यादा मुंह मत ना फाड़े, ठीक है? हिसाब की कॉपी उठा, हिसाब टोटल करके बता। अभी तेरा हिसाब पूरा कर रही हूँ। पहले 419। क्यों ले 420? एक रुपए छुट्टे नहीं है मेरे पास। कीप द चेंज। 420 ये। ओहो नए नए कपड़े। तुम कपड़न की बात कर रही हो? हमारे तो दिल गुर्दे किडनी सब नया। और ये लगता, ये तो मेगा सेल का कमाल है। बढ़िया है, वैसे मैं भी एक जोड़ी सूट लेने की सोच रही थी। तो लो ना, कदले होगी जब देखो तब यही नीले सूट पैर के ढोलती रहो। अरे बेटा दो ही जोड़ी तो सूट है, एक पहनती हूँ एक सुखाती हूँ। तेरे अंकल की आजकल इतनी कमाई भी नहीं हो रही, कैसे बोल दूं उनसे सूट लेने के लिए। नमो नू बता दो, कब तक अंकल ही तुम्हारा खर्चा उठाते रहेंगे? अरे एक आध चीजन का खर्चा तो तुम खुद ही उठा सको अपना। क्या करूँ, घर में दो दो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई खाना पीना सब देखना होता, उन्हें घर में अकेले छोड़ के कैसे जॉब पे चली जाऊँ। तेरे तो जॉब करने को कौन कह रहा तुम सू? जितनी देर में तुम इंगे से उंगे जाके लोगन की चुगली करो ना, उतनी देर में ओलम ट्रेड ट्रेडिंग ऐप पे जाके ट्रेडिंग करो और पैसे कमाओ। अच्छा जो ये तूने कपड़े पहन रखे हैं, ये तू ओलम ट्रेड पे ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट मिलता है उससे खरीदती है? तेरा सिर्फ ये कपड़े ही ना, मैंने तो अभी आके उधारी भी चुकता करी है, वो भी सिर्फ ओलम ट्रेड ट्रेडिंग ऐप की वजह से। पर बेटा मैं कहाँ कर पाऊंगी ट्रेडिंग व्रेडिंग, और ये तो बहुत मुश्किल काम है, और मैंने सुना इसमें जोखिम भी बहुत होता है। अरे तभी तो मैं तुम्हें ओलम ट्रेड के बारे में सजेस्ट कर रही हूँ। या मैं तुम्हें हाई प्रॉफिटेबल रेट, फ्री बेस लर्निंग, प्रैक्टिस के लिए डेमो अकाउंट, प्रोफेशनल से सिग्नल भी मिलेगा, बस उन्हें फॉलो करो और प्रॉफिट कमाओ। और तो और ओलम ट्रेड की टीम 24/7 तैयार रहे तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने को। अच्छा लेकिन ये काम कैसे करता है? मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, यू देखो मैंने अपने ओलम ट्रेड ऐप से बस 1000 रुपये में डेमो ट्रेड ओपन करा। अब देखियो यहाँ का रिजल्ट हमें मिनट में मिलेगा। इतनी जल्दी? यू देखो 900 रुपये मिले वो मेरे डेमो ट्रेड में, अगर मैं अपने रियल अकाउंट से करती तो प्रॉफिट भी निकाल लेती। अच्छा लेकिन ये काम कैसे करता है? अरे ओलम ट्रेड ने हमारे और सारी लड़कियों के लिए एक बोनस भी निकाला, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को फॉलो करो और मेरे प्रोमो को THAR30 को यूज करके पाओ 30% एक्स्ट्रा, मतलब 1000 पे 1300 रुपए। वाह ये तो बहुत बढ़िया ऐप है। डिस्क्रिप्शन चेक करो और फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ। ठीक है ठीक है। हाँ तो गड़बड़ी है, यू ले 10 रुपए और जल्दी से दे सरफ। सरफ? सरफ तो खत्म होगा। खत्म होगा ऐसे कैसे, अभी तो यही धराया। अभी जो आंटी खड़ी थी ना वो ले गई सरफ। तो बताना सिखाया वो? इसमें बताना क्या है, मुझे तो अपने गल्ले से मतलब है, जो पैसा दे वो ले जाए। तो सारी उधारी भी चुका दी और सामान भी ना मिला। अरे बेटा गलती से कर दी मैंने तेरे ऊपर कुल्ला। गलती से काई दिन हग मत दियो यहाँ। उठाइए ना। हेलो बिजली बेटा, मैं तेरी बुआ बोल रही हूँ। तो मत बोले करो यार, फोन काटो। अम्मा का मैं बोलने को, जो अब रिश्तेदार ने अभी बोलना शुरू कर दिया। उठा। हेलो। अरे बेटा पहचान ही ना कैसे? पहचान लिया तभी तो फोन काट दिया, नहीं फोन पे चाय नमकीन खिला के घंटों बतियाती। कहा झांक रहा भीतर?
कुछ नहीं, बदबू सी आ रही है। ऐसी सड़ी गर्मी में बिना नहाए डोलोगे तो बदबू ही आएगी। हम तो नहा कर आए हैं, हमारे अंदर से बदबू नहीं आ रही, बदबू तुम्हारे घर से आ रही है। बेटा अभी तो बदबू ही आ रही है, अगर तेने ये सड़े सड़े मुंह बना के मेरे घर में सूंघना बंद ना करा ना तो नानी भी याद आ जाएगी। वो कैसे? ऐसे खुद की सिकल खुले हुए सीबर जैसी हो रही है और मेरे घर में बता रहा है बदबू आ रही है। एक तो हम बता रहे हैं, ऊपर से हमें मार रही हो। और कहा तेरी आरती उतारू, यहाँ मैंने घिस घिस के पूरे घर के एक एक कोने साफ करा और कह रहा चूहा मर गया दिखे बदबू आ रही है। घर में पापा मारते हैं, बाहर दोस्त मारते हैं, और दोस्तों के घर जाओ तो उनके घर वाले। तो ठीक है फिर, रपट ले मिंट से पहले, रपट ले। मैं तो थक गई, ये देख लो रात के भी धरे हुए हैं, ये लत्ता भीगते सरफ में, अब कहा करूं। ऐसा कर रही हूँ, बिजली को आजान दे रही हूँ, उस सरफ भी ले आएगी तो बिजली की ड्रेस के साथ ही धो दूंगी इन लत्तान को भी, तब तक मैं बिजली की बुआ को फोन लगा ले रही हूँ। अम्मा, ओ अम्मा कहाँ हो? मेरा अभी काम भी ना निपट पाया और यू आदम की। हाँ बेटा आ रही हूँ मैं। ना तुम ना आओ, मैं ही आ गई। अरे मेरा तो काम भी ना निपट पाया और तू आदम की। तुम सारे मोहल्ले को धमकाती घूमो, मुझे लगा आज मैं ही आदम को यहाँ। जोक मारन लगी है, है? पर बेटा बहुत टट्टी जोक हा, मुँह हंसी ना आई। टट्टी करके ना आई? मैं तो करके आई, मुझे लगे तुमने ना करी दिखे तभी पाद मार रही। देखियो अपनी हरकत छुपाने को मुंह पे नाम लगा रही है। जब मैंने नहीं पादा तुमने नहीं पादा? आधा पादा किसने पादा? रामचंद्र की घोड़ी ने पादा। जब तक चिड़िया ना बोले तब तक कोई मत ना बोलियो बेटा। बता रही है मेरे घर में बदबू आ रही है, खुद को ना देख रही है? मेरा मतलब तो ये था कि कहीं चूहा हुआ तो नहीं मर गया दिखे। चूहा तो ना मरा पर तू मर जाएगी एक ही बैठ में। अम्मा चूहा ही मरा इस घर में, मेरी नाक धोखा नहीं दे सकती, सूंघ के बता दूंगी कहाँ मरा हुआ चूहा। ओहो कतई सीआईडी का कुत्ता हो रही है, हैं? सूंघ के सुराग बताएगी। चली जा यहाँ से, भाग जा घर से, नहीं बैठ फेंक के मारूंगी, ज्यादा बढ़ रही है। पता न कहा मौत तो ना आ रही बदबू, लेकिन नौ की सड़ी पड़ी रहेगी बेटा में डाल कर। अब कोई आ गया ना तो छोड़ने की नहीं। शक्ति शक्ति शक्तिमान कहलाया वो शक्तिमान। अरे रेलो तू कहाँ जा रहा? अपने घर जा रहे हैं। और आ कहाँ से रहा? तुम्हारे घर से। तो इतनी पिटी पिटाई से सिकल काई को बना रखी है? क्योंकि पिट कर आ रहे हैं। किस्सू? अम्मा से। तो भाई ऐसे कौमी काई को करा है कि अम्मा पीट दे मैं? हमने कौन सा पिटने वाला काम किया? अब वो तो अम्मा और तू ही जानते होंगे कहाँ काम कर दिया तेने। सब हमारी गलती है, हमको तुम्हारे घर जाना चाहिए था और पिट गए तो तुमको बताना नहीं चाहिए था। मेरे भाई इतना काई को फिर परेशान हो रहा, ऐसे कैसे अम्मा तो पीट देंगे। मेरी गैल चल, मैं बात करूँ अम्मा से। नमस्ते आंटी। नमस्ते। गई भाड़ में, तेरी अम्मा का दिमाग खराब है, पहले उसे ठीक करा। पता नहीं इतनी बदबू में कैसे सांस ले रही। बदबू में सांस ले रही? और क्या, मैं अभी घर गई थी और इतनी बदबू आ रही गेट खुलते के साथ। मैंने पूछा अम्मा तुम्हारा पेट तो खराब नहीं है, बरस पड़ी मुझ पे उल्टा सीधा सुनाने लगी। हैं? हमें ही बदबू आ रही थी, हमने बोला कि चूहा तो नहीं मर गया है, हमको ही मार पीट कर भगा दिया अम्मा ने। पर अभी तो मैं घर से ही आ रही हूँ, अभी तो ऐसा कुछ भी ना है। पता नहीं अम्मा क्या करती रहती है, इतनी बदबू आ रही है घर में। मैंने बोला अम्मा देख लो अलमारी के पीछे बैठ के नीचे कहीं कोई चूहा तो नहीं मरा पड़ा है, तो बरस पड़ी। ओए माँ कहीं ऐसा तो ना सच में चूहा मर गया हो। बेटा अगर घर में चूहा मरा पड़ा हुआ तो निकालेगा कौन और फेंकेगा कौन? अम्मा तो बूढ़ी हो रखी है और मोह डर लगा है।
ऐसा कर रहे हो, इन दोनों को ले जा रही हूँ अपनी गैल, ढूंढ ढान के निकाल कर फेंक देंगे चूहा, मेरा काम हो जाएगा। चल अब मैं जा रही हूँ। ऐसे कैसे जा सको तुम, मेरी गैल चलो, घर मेरा भी अम्मा की गैल, ठीक है? ऐसे कैसे तुम लोग उनको घर से बाहर निकाल देंगे? चलो मैं लेके चल रही हूँ, मैं बात करूँ अम्मा से। आई बड़ी अम्मा। बेटा मैं तो गोंद के लड्डू बनवा दूंगी, तू आइयो डिब्बा भर के दे दूंगी, ठीक है? इरा यू तो सच में बहुत बुरी बदबू आ रही है। इरा कहाँ घुसाती ला रही है इन लोगों को घर में? अभी तो घर में ही घुसे, दो मिनट और रुक जाओ, बेड के नीचे और अलमारी के पीछे भी घुसे पाएंगे। काई को नू और बता दे, अभी जब ये घर आई तो इन्हें बदबू आ रही है घर से। याने पात दिया होएगा या हमारे आ रही होएगी? यू आया तब भी आ रही है बदबू, तो याने भी पात दिया होएगा। मैं आई हूँ तब भी आ रही है बदबू, तो तैने भी पात दिया होएगा। बात अन्य मत बनाओ, ठीक है? यहाँ खड़े हर एक इंसान को बदबू आ रही है, तुम्हें छोड़ के। और इतिहास गवाह, जो नू कह रहे ना मौत ना आ रही बदबू, उई बदबू की असली वजह हो वे। पर हम लोगों को पता या बदबू की वजह तुम ना हो, चूहा है, पता ना कहाँ मरा पड़ा। तुम दोनों अब आ जा दो, जहां ढूंढने का मन करे ढूंढो, बस वह चूहे को बाहर निकालो यार। अगर तुम लोगन को चूहे की डेड बॉडी ना मिली हो तो जल्दी से मेरे दोहरे आ जाओ। ना काई ने पाद मारी है, ना कहीं चूहा मरा, बदबू की असली जड़ यहाँ है। कहा यू? दो दिन से सरफ में भीगते कपड़े। मैं तो भैया परेशान होगी, कतई चूहा ही ना मिला, देखा जाके तो कहा होगा ही। चलो ठीक है, अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो पे कमेंट तो बता ही दिया है, प्लीज करके बता दियो कि तुमने यू कभी करा है कि ना करा है, और वीडियो को शेयर करना सबकी गैल। सब्सक्राइब तो तुमने कर ही रखा होगा, मो पता दिल से तुम लोग मो चाहो, ठीक है? बाकी आई लव यू। और हाँ मेरी बहनों, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो करो जाके, और मेरा प्रोमो कोड THAR30 को यूज करके पाओ 30% एक्स्ट्रा, यानी 1000 के बदले 1300 रुपए। डिस्क्रिप्शन चेक करो और फाइनेंशियल फ्रीडम पाओ। लव यू। माने रे माने रे माने रे माने रे नहीं ओ नन्ही जान छोड़ा सी नाता।